हेलो एवरीवन, मैं अमनदीप तुहाड़ा सारा दा स्वागत कर दिया एंटरटेनमेंट दे सेगमेंट। जी हाँ, यानी कि स्पाइसी रील्स ते आओ नजर मारने आ बॉलीवुड पॉलीवुड दिया कुछ खास खबरां ते। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान की बेटी अदाकारा सारा अली खान जी हाँ आज अपना जन्मदिन मना रही है। जी हाँ, उन्होंने जन्म 12 अगस्त 1995 में बॉलीवुड के पटौती परिवार के बीच होया। सारा अली खान अदाकार सैफ अली खान की पहली पत्नी अमृता सिंह की बेटी है। सारा अली खान बॉलीवुड के कदम रखे ज़्यादा समा नहीं होया, पर वो अक्सर सुर्खियों के बनी रहती है। जी हाँ, दस दिए कि सारा अली खान ने साल 2018 में फिल्म केदारनाथ नाल बॉलीवुड के अपने करियर की शुरुआत की। इस फिल्म के मरहूम अदाकार सुशांत सिंह राज मुख्य भूमिका के नज़र आए थे। सारा अली खान की इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस से रलवा मिलवा हुंगारा मिलिया। इस फिल्म तो बाद अदाकारा सारा अली खान अदाकार रणवीर सिंह के नाल फिल्म सिंबा के नज़र आई। उन्होंने ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। सारा अली खान कार्तिक आर्यन नाल फिल्म लव आजकल और वरुण धवन की फिल्म कूली नंबर 1 के भी नज़र आ चुकी है। उन्होंने दोवें फिल्मों दर्शकों का दिल जीतने सफल हालांकि नहीं हो सकिया। सारा अली खान की निजी जिंदगी की गल करिए उन्होंने जिंदगी कई उतार चढ़ाव आए। इस ही मतरेई माँ होने के बावजूद उन्होंने सैफ अली खान की दूजी पत्नी करीना कपूर खान नाल बहुत वधिया बॉन्डिंग है। जी हाँ, इस बारे सारा अली खान खुद अपने इंटरव्यू के इस गल बारे स्पष्टीकरण दिता सी। सारा ने करण जौहर के चैट शो के करीना के नाल बॉन्डिंग के बारे खुलासा किया। जेकर तुहानू दसीए बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान की, तुहानू दस दिए कि फिल्म इंडस्ट्री के उन्होंने गहरी छाप छड़ी है, पर फिल्म इंडस्ट्री के आने तो पहला सारा ने बेहद मेहनत भी की थी। दस दिए कि सारा अली खान ने दसा सी कभी खुशी कभी गम के करीना कपूर के पू किरदार देखते ही उन्होंने फिल्मों के आने का मन बना लिया। शायद उस समय उन्होंने पता नहीं कि एक दिन करीना इस तरह उन्होंने निजी जिंदगी के जुड़ जाएगी। तुहानू दस दिए कि सारा आज बॉलीवुड की सब तो फिट हीरोइंस के एक है, पर एक समा सी जब उन्होंने वजन 96 किलो होया करता सी। मोटापा उन्होंने सपने के सब तो बड़ी मुसीबत बन के आ गया। कॉलेज के सैकेंड ईयर के सारा ने हीरोइन बनने के लिए मोटापा घट करने का फैसला किया, पर सारा के लिए यह सब कुछ करना इन्ना आसान नहीं सी क्योंकि सारा नू PCOD सी यानी कि प्लास्टिक ओवरी सिंड्रोम। तुहानू दस दिए कि यह एक ऐदा की बीमारी है जिस दे विच औरतों का मेंस्ट्रुअल साइकिल विगड़न की वजह के नाल ओवरी के विच एक्स्ट्रा एग्स इकट्ठा हो जाते हैं जो सिस्ट के विच बदल जाते हैं, तो जेकर ऑपरेशन के नाल इन्हां नू हटाया भी जाए तो भी फिर आ जाते हैं। इस बीमारी नू कंट्रोल करन दे लई उन्हां नू दवाइयां ते निर्भर होना पैंदा सी, पर सारा ने ठान लिया सी ते सारा ने अपने लाइफ स्टाइल नू पूरी तरह बदल दिता। तो उन्होंने अपना फेवरेट पिज़्ज़ा बर्गर वर्गिया चीज़ा छड़ दित्तियां ते सैलड खाना शुरू कर दिता। डाइट कंट्रोल दे नाल सारा ने वर्कआउट भी शुरू कर दिता। उन्होंने कई घंटे जिम दे विच पसीना बहाउण दे कारण सारा दी कड़ी मेहनत दे दम ते 4 महीनों दे विच 30 किलो वजन घट करके सारा वर्कआउट ते कंट्रोल डाइट दे सहारे 96 किलो तो 55 किलो वजन ते आ गई। जी हाँ, ते अज सारा बॉलीवुड इंडस्ट्री दी सब तो फिट एक्ट्रेसिस दे विचों एक है ते अज वो अपना जन्मदिन मना रही है, इसलिए उन्होंने उन्होंने जन्मदिन ते बधाई। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान अपने अदाकारी के दम से जिस फिल्म इंडस्ट्री के वक्री पहचान बनाई है और लोगों के दिलों के भी अपनी चंगी खासी पहचान बनाई हुई है। जी हाँ, तो दस दिए कि दुनिया इन्हों सलू भाई भी कहती है। जी हाँ, तो फैंस की कमी तो बिल्कुल नहीं है। तो दस दिए कि सलमान खान जिथे अदाकारी के दिल जितते ही जितते ने उत्थे अपने बींग ह्यूमन के करके भी बहुत सारा नाम खटिया है। जी हाँ, लोड़वंद लोगों की मदद के लिए हमेशा अगे रहते हैं सलमान खान। इसे जेकर गल करिए सलमान खान कोई मौका नहीं छड़ते दिल जितन का। तो दस दिए कि टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मैडलिस्ट मीराबाई चानू भी सलमान खान की बहुत वड्डी फैन है। जी हाँ, एक इंटरव्यू के चानू ने इस गल का खुलासा किया।
ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਚਾਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲਿਸਟ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਚਾਨੂ, ਪਿਆਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਵਰਸਾਇਆ ਹੀ ਵਰਸਾਇਆ, ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਚਾਨੂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਵਰਸਾਇਆ। ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੀਫ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਚਾਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਮਿਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਮਿਕਾ ਕਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਬਾਹੂਬਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੀ ਬਣੀਏ ਤਾਂ ਵਾਮਿਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੇਗਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭੈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸ਼ਿਵਗਾਮੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਮਿਕਾ OTT ਦਿੱਗਜ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਗਾਮੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਸਟਾਰ ਨਯਨਤਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਡਿਜ਼ਨੀ ਹੌਟਸਟਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਾਮਿਕਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਯੋਗੇ ਵਾਂਗ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਦੀ ਬਾਹੂਬਲੀ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਗਾਮੀ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਾਮਿਕਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਕਈ ਜੋ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਹੁਨਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਮਿਕਾ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਏ ਦਿਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਵਾਮਿਕਾ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾ ਕਮਾਲ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਬਾ ਕਮਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਮਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਊਟਨੈਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
सिनेमाज की गल करिए तो सिनेमाज दे विच हर कोई फिल्म देखण दा क्रेज तां पौंदा ही। जी हाँ, इस दे नाल आखिरकार 1.5 साल के इंतजार तो बाद पूरी दुनिया के पंजाबी दर्शकों हुण वड्डे पर्दे ते अपना मनोरंजन मिल रहा है, क्योंकि एमी विर्क ते सोनम बाजवा दे फिल्म पुआड़ा पूरी दुनिया के सिनेमाघरों के रिलीज़ हो गई है। फिल्म का नौजवानों ते परिवारक दर्शकों के एक्साइटमेंट जो देखने मिल रहा वो बाकमाल है। फिल्म के ट्रेलर ने 1 करोड़ व्यूज़ नूं छुया ते गाणिया ने 2 करोड़ तो वध व्यूज़ हासिल कर ले ने। फिल्म लई इन्ना उत्साह है कि कई शो पहला ही बुक ने। तुहानूं दस दईए कि भारत च पंजाब के बाहर ते विदेशी बाज़ारां दे विच वी एमी विर्क ते सोनम बाजवा की फिल्म पुआड़ा वड्डे पद्धर ते रिलीज़ हो गई है। इस फिल्म दे विच देसी ते शहरी समगरी दी सही खुराक है, जो हर जगह बसे अते हर तरह दे पंजाबी लोकां नूं आकर्षित करदी है। पुआड़ा कमेडी रोमांस वाली फैमिली एंटरटेनर है, जिथे सोनम बाजवा दा किरदार हर कदम ते एमी दे किरदार नूं चुनौती दिंदा है। सोनम कहंदी है कि मैनूं मजबूत महिला किरदार निभाउण दे विच मज़ा आउंदा है, ते इस फिल्म दे विच रौनक दा किरदार शहरां तों लै के पिंडां तक दीआं कुड़ियां दी नुमाइंदगी करदा है। वो जो सही है या सही मनती है उससे स्टैंड लेंदी है, फिर भावें उसनू कुछ भी करना पवे। फिल्म के निर्माता भी काफ़ी एक्साइटेड ने। निर्माता अतुल भल्ला कहते हैं कि लोग लंबे समय तो घर बैठे ने, ते हर कोई चेहरे ते राहत मुस्कान लियाउण दे लई चंगे मनोरंजन की भाल दे विच है, ते असीं तुहाडे नाल वादा करते हैं कि पुआड़ा तुहानूं यही देगा। जी हाँ, ते दसीए कि ये उही टीम है जो दलजीत दोसांझ ते नीरू बाजवा वाली पिछली ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फिल्म छड़ा लेके आई सी। निर्माता पवन गिल कहते हैं कि एक प्रोडक्शन हाउस के रूप के आकर्षक सामग्री दा निर्माण करन दी साडी कोशिश हमेशा हुंदी है, ते पंजाबियां लई सब तो वड्डी गल हुंदी है रोमांस दे नाल नाल कॉमेडी। छड़ा तो बाद हुण असीं दर्शकां नूं इह सब कुछ देण दी कोशिश कीती है, पर इस बार एक ट्विस्ट दे नाल। हुण इह ट्विस्ट या पुआड़ा की है, इस दी जानकारी तुहानूं नेड़ले सिनेमाघरां दे विच जा के ते मनोरंजन नाल लोट पोट हो के मिलेगी। तुहानूं दस दईए कि पुआड़ा अज 12 अगस्त नूं पूरी दुनिया दे सिनेमाघरां दे विच रिलीज़ हो रही है। जी हाँ, फिल्म नू देखण दे लई फैंस दे विच काफ़ी एक्साइटमेंट है। एक तो पूरे 1.5 साल बाद दुनिया भर दे विच सिनेमा घर खुले ने, ते सिनेमा लवर्स दे लई ए बिल्कुल सही समा है कि वो अपने सिनेमा लव नू इस फिल्म दे नाल जाहिर कर। जी हाँ, तुहानू दस दईए कि सिनेमाघरां दे विच कोविड प्रोटोकॉल नू पूरे ध्यान दे विच रखदिआं सब कुछ कीता होया, ते पुआड़ा फिल्म देखण दे लई दर्शक जिथे एक्साइटेड नज़र आ रहे ने, उथे एमी विर्क ते सोनम बाजवा भी अपनी इस फिल्म नू लैके पूरी तरह एक्साइटेड ने। ते तुहानू दस दईए कि फिल्म देखण वाले ਦਾ ਕਾਫੀ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟਰੈਸ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਰੱਗਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੀਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ੋਵਿਕ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਆ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਰੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੀਆ ਨੇ ਗਲੈਮਰਸ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਆ ਹਾਈ ਥਾਈ ਸਿਲਕ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਲ ਮੇਕਅਪ, ਓਪਨ ਹੇਅਰਸ, ਗ੍ਰੀਨ ਝੁਮਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਲੈਮਰਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਆ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਠਹਿਰਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਆ ਰੂਮੀ ਜਾਫਰੀ ਦੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰੈਸ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਡਿਸੂਜ਼ਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੀਆ ਯੈਲੋ ਆਊਟਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਵਰਕ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੂਮੀ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ।
फिल्म दे विच अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी, अन्नू कपूर अते क्रिस्टल डिसूजा भी नज़र आउणगे। जी हाँ, तुहानू दस दिए कि अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत तो बाद रिया ने किते ना किते सब तो दूरी बना ली सी, पर रिया हुण बेझिझक कैमरे अगे सामने आउंदी है। जी हाँ, किते भी जांदी है, स्पॉट हुंदी है तो पेपराजी नू पोजेस दिंदी हुई दिखाई दिंदी है। कुछ समा पहला इदां दा आ गया सी कि रिया मीडिया नू देख के या कैमरिया नू देख के भजदी हुई नज़र आउण लगी सी। तो तुहानू दस दिए कि रिया ने काफ़ी नफरत भी झेली है सुशांत सिंह राजपूत की मौत तो बाद, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जिम्मेवार कितने ना कि रिया नू ठहराया जा रहा है, जिसकी जांच के आदेश भी दिए गए सी। तुहानू दस दिए कि रिया ने इन्हां सारिया मुश्किलों का सामना किया अते हुण फिर तो अपनी निजी जिंदगी दे विच या फिर आम जिंदगी दे विच वापस परत आई है। तो हाल ही दे विच जो तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया से शेयर कीतियां ने वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही ने, ते नाल दी नाल उन्हां दे फैंस इन्हां तस्वीर से काफ़ी ज़्यादा प्यार भी लुटा रहे हैं। तुहानू दिखाउणी आ उन्हां दीआं ये तस्वीर। बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर खान, जी हाँ, जिथे दोनों बच्चों लैके हमेशा चर्चा दे विच रहिंदी है, ते दोवें बच्चे भी उन्होंने यानी कि दोनों बेटे अपने नाम अते अपने चेहरे नूं लैके हमेशा सुर्खियां दे विच बने हुए ने। हालांकि जेकर गल करिए उन्होंने बड़े बेटे की, तो वह हमेशा कैमरे दी नज़रां दे विच कैद हो जाते हैं, ते नाल दी नाल वो फेवरेट स्टार किड्स दे विचों एक भी मने जाते हैं। दूसरे बेटे की गल करिए करीना कपूर खान के दूसरे बेटे का चेहरा तो उन्होंने जनतक नहीं किया, पर उन्हों का निकनेम जनता किया जो सी जय, तो हूँ जय का पूरा नाम यानी कि जहांगीर अली खां भी सामने आ गया, जिस तो बाद काफ़ी ज़्यादा हंगामा सोशल मीडिया से देखने मिल रहा है। तो गल करिए हूँ एक्ट्रेस करीना कपूर की, तो करीना कपूर खान ने अपने दूजे बेटे का नाम जाहिर नहीं किया। हाल ही के लॉन्च की गई बुक के बेबू ने अपने दूसरे बेटे के नाम का खुलासा कर दिता। उन्होंने अपने छोटे बेटे का नाम जहांगीर अली खान रख्या। सैफ करीना के छोटे नवाब का यह नाम लोगों को शायद चंगा नहीं लगा, इस दे उन्होंने उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्रोल करना शुरू कर दिता। हूँ इस शब्द एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी सामने आ गई है, जी हाँ, जो कि करीना कपूर खान की सपोर्ट दे विच नज़र आई है। स्वरा ने करीना कपूर खान के छोटे बेटे के नाम से ट्रोल करन वालियां नू ते आलोचना करन वालियां नू जम के फटकार लगाई है। स्वरा ने हिंदी दे विच ट्वीट किया, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा किसी दंपति ने अपने बच्चे का नाम रखा है, वह दंपति आप नहीं है, पर आपकी इस पर राय है कि नाम क्या है और क्यों है और आपके दिमाग में ये मुद्दा है जिससे आपकी भावनाएं आहित होती हैं, तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े गधों में से एक हो। जी हाँ, स्वरा का यह ट्वीट सोशल मीडिया से आते ही वायरल हो गया, तो लोग कमेंट कर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दस दिए कि करीना कपूर खान ने अपने दूसरे बेटे जहांगीर 21 फरवरी 2021 जन्म दिता। इस तो पहला उन्हों का एक बड़ा बेटा है, जी हाँ, तैमूर अली खान, जो अपनी क्यूटनेस के लिए सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा चर्चा के बनया रहा है। तो हूँ स्वरा भास्कर के इस ट्वीट तो बाद भी हंगामा मच गया, जी हाँ, लोग गदा कहण से स्वरा से गुस्सा भी हो रहे हैं। हालांकि जेकर देखा जाए तो करीना कपूर खान ने अपने बेटे का नाम जो भी रखे वो उन्होंने माँ प्यो ने, तो तुहानू दस दिए कि बीते दिन ही करीना कपूर की ननद यानी कि सबा अली खान ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी सी।
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा जी हाँ अश्लील फिल्म बनाने से उन्होंने ऐप से अपलोड करने के मामले के जेल की हवा खा रहे हैं। तो राज कुंद्रा केस के सामने आने तो बाद एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा भी काफ़ी सुर्खियों के बनी हुई है। जी हाँ शर्लिन की गल करिए शर्लिन ने शिल्पा शेट्टी के पति को लैके कई खुलासे किए जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने उन्होंने समन भेज के पूछगिछ की। पूछगिछ के एक्ट्रेस ने कई बड़े राज कुंद्रा दे खोले। इस बीच हुण राज कुंद्रा दे नाल अपनी एक तस्वीर नूं भी शेयर किया ते दावा किया है ये फोटो द शर्लिन चोपड़ा ऐप के पहले शूट के दौरान की है। जी हाँ शर्लिन ने अपने ट्विटर अकाउंट से राज कुंद्रा और एक होर साथी दे नाल तस्वीर शेयर की है जिस दे विच ये राज कुंद्रा ते उन्हां दे साथी दे विच बैठी हुई नज़र आ रही है। इस दौरान एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज देखने मिल रहा है। इस तस्वीर नूं शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन दे विच लिखा 29 मार्च 2019 का दिन आर्म्स प्राइम वालों आयोजित द शर्लिन चोपड़ा ऐप का पहला कंटेंट शुरू हो जा रहा है। मेरे लिए एक नवा अनुभव सी क्योंकि पहला कदे किसी ऐप के नाल मैं नहीं जुड़ी सी। उम्मीद ते जोश का माहौल सी। शर्लिन चोपड़ा का यह पोस्ट लोगों वालों खूब देखा जा रहा है ते पढ़िया जा रहा है ते यूजर्स कमेंट करके इस ते तरह तरह की प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। दस दिए कि राज कुंद्रा केस के विच शर्लिन चोपड़ा तो 6 अगस्त को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूछगिछ की सी जिते उन्होंने अश्लील वीडियो नूं लैके कई वड्डे खुलासे किए सी। उत्थे ही राज कुंद्रा की गल करिए क्राइम ब्रांच ने उन्होंने 19 जुलाई में गिरफ़्तार किया सी ते 10 अगस्त को कोर्ट ने उन्हां दी जमानत याचिका खारिज करते हुए 20 अगस्त तक उन्हां दी न्यायिक हिरासत में बता दिता। जी हाँ ते हुण शर्लिन चोपड़ा ने एक तस्वीर जो है वो शेयर कर दिती है। तस्वीर तो बाद वो हुण फिर तो चर्चा दे विच सामने आ रहे हैं। जेकर गल करिए शिल्पा शेट्टी की तो शिल्पा शेट्टी भी लगातार उदों दीआं सुर्खियां च बड़ी हुई है। तो तुहानू दस दईए शिल्पा शेट्टी दीआं भी मुश्किलां दिन ब दिन वधदीआं होईआं नज़र आ रहीआं ने। एक पासे जिथे पति जेल की हवा खा रहा है दूजे पासे उसते ते उसदी मां ते ठगी दे आरोप भी लगे ने। जी हाँ करोड़ां दे ठगी दे आरोप दे विच शिल्पा ते उहनां दी माँ फसदियाँ नज़र आ रही ने। तो तुहानू दस दईए कि उन्हां तों भी पुछगिछ ठगी दे मामले दे विच कीती गई। दस दईए कि शिल्पा शेट्टी तो राज कुंद्रा दे मामले च भी पुछगिछ कीती सी जिस तों बाद उन्होंने प्राइवेसी का मुद्दा भी उठाया सी अते बॉम्बे हाई कोर्ट दे विच याचिका भी दायर कीती सी। तुहानू दस दईए कि शिल्पा शेट्टी ने अपनी फैमिली की प्राइवेसी का मुद्दा उठाउंदिआं कोर्ट दे विच पटीशन दायर कीती सी जिस विच प्राइवेसी नूं देखदिआं कोर्ट ने प्राइवेसी के मुद्दे नूं सही ठहराया सी। बॉलीवुड अदाकारा तापसी पन्नू फिल्मों के नाल नाल अपनी निजी जिंदगी लैके भी काफ़ी चर्चा दे विच बनी रहती है। जी हाँ दस दिए कि बीते साल ही इसने काफ़ी सुर्खियां बटोरिया सी जब बीते साल ही अदाकारा ने अपनी लव लाइफ में लैके खुलासा किया। जी हाँ उन्होंने दसिया कि वह एक विदेशी मुंडे मैथियस बॉय नूं डेट कर रही है। उंज तां तापसी अते मैथियस लंबे समय तो इकट्ठे हैं पर आम तौर पर यह जोड़ा अपने आप नूं घट हाईलाइट रखना पसंद करता है। जी हाँ तापसी दे अपनी लव लाइफ नूं उजागर करने ते कई मुंडियां दे दिल भी टुट गए सी ते हुण अदाकारा अपने विआह नूं लैके काफ़ी चर्चा दे विच है। जी हाँ अपने विआह नूं लैके काफ़ी सुर्खियां पटोर रही है तापसी पन्नू। दरअसल हाल ही दे विच तापसी दी भैण शगुन ने अदाकारा दे विआह नूं लैके दिलचस्प खुलासे किए ने। जी हाँ शगुन ने दसिया कि उन्होंने बहुत सारे वैडिंग वेन्यू देख रखे ने। शगुन खुद भी एक दसी है कि वैडिंग प्लैनर है। तापसी दे विआह दे बारे दे विच उन्हां दी की राय है आओ तुहानूं दसदे आं। तापसी दे विआह बारे उन्होंने कहा कि मैं विआह लई बहुत सारिया लोकेशनस देख रखिया ने। उधर तापसी ने इस प्लैनिंग की पूरी कहानी नूं अगे वधाउंदे होए कहा कि हुण डिसाइड ये करना है कि विआह करना है या नहीं। जी हाँ मतलब कि विआह दी हाँ तो पहला ही तापसी पन्नू अते उहनां दी भैण ने वैडिंग वेन्यूज जो ने वो देख लेने। जी हाँ तुहानू दस दईए कि तापसी पन्नू की भैन शगुन ने अगे कहा कि साडे माता पिता चाहते हैं कि साडे चो कोई एक विआह लई हामी भर दे। जेकर तापसी इसलिए तैयार नहीं है तो घट्टो घट मैं विआह करवा लवां।
पिछले महीने ही दस दिए कि तापसी ने एक इंटरव्यू दौरान ब्याह से अपने माता पिता की चिंता बारे दसिया सी। उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता ने मैनू कहा कि भाई तू कर ले प्लीज़ ब्याह, बस तू ही कर ले, किसी नाल भी कर ले बस कर लो। उन्होंने चिंता है कि मैं शायद कदे ब्याह नहीं करावांगी। तापसी ने यह भी कहा कि वह किसी अजिहे व्यक्ति नाल ब्याह नहीं करेगी जो उन्होंने माता पिता को पसंद ना हो। इस दे नाल ही वो रिलेशनशिप भी कदे टाइम पास नहीं करना चाहती। दस दिए कि तापसी के बॉयफ्रेंड मैथियस एक बैडमिंटन खिडारी ने जो डेनमार्क तो है। तापसी और मैथियस की मुलाकात 2014 भारत च एक बैडमिंटन टूरनामेंट के उद्घाटन दौरान हुई सी। मैथियस एक टीम का हिस्सा सन जबकि तापसी एक होर टीम के ब्रांड एंबेसडर से। वर्कफ्रंट की गल करिए तापसी की फिल्म हसीन दिलरुबा हाल ही रिलीज हुई। तापसी जल्द ही रशिम राकेट की लूट लपेटा, जनगणमन और शाबाश मिठू वर्गिया फिल्मों के दिखेगी। जी हाँ, तो दस दिए कि तापसी दियाँ ब्याह दियाँ खबरों तो बाद हूँ बस तापसी की हाँ की देरी है, क्योंकि शगुन ने तो तापसी ने वैडिंग डेस्टिनेशन का देख ही लिया ने। तो हूँ यह देखना बनता है कि तापसी अपने बॉयफ्रेंड मैथियस नाल कदों ब्याह चाहती है। मशहूर खिडारन सानिया मिर्जा, जी हाँ, इन्हों कौन नहीं जानता। जिथे अपनी खेड के नाल हर किसी का दिल जितती है, उतें ही अपन अदावों के नाल अपने बोलन के तरीके भी हर किसी का दिल जित लेंदी है। जी हाँ, सानिया की गल करिए सानिया मिर्जा हाल ही एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई है, जिथे कि सानिया ने शॉर्ट ड्रैस पहनी हुई सी, इस कलर्ड पर्स भी कैरी किया हुआ सी। दसिए सानिया ने ड्रैस नाल स्पोर्ट्स शू पहने हुए से, जिस विच सानिया सिंपल ते काफ़ी क्यूट लुक दे रही सी। ते इसे दे नाल कोविड नू ध्यान दे विच रखदिया होया सानिया ने मास्क भी लगाया होया सी। जी हाँ, सानिया नू एयरपोर्ट ते स्पॉट किया गया, जिथे वो काफ़ी क्यूट ते सिंपल लुक दे विच, यानी कि अट्रैक्टिव लुक दे विच नज़र आई। तो तुहानू दस दिए कि हाल ही दे विच हैदराबाद के गोशा महल विधानसभा खेतर तो भाजपा के विधायक राजा सिंह ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव नू फिर एक बार सानिया मिर्जा नू सूबे का ब्रांड एंबेसडर अहुदे तो हटाने की मंग भी की, क्योंकि वह पाकिस्तान की नूँह है, यह उन्होंने कहना है। राजा सिंह ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR नू अपील की है कि सानिया मिर्जा नू तेलंगाना के ब्रांड एंबेसडर अहुदे तो हटा दिता जाए और PV सिंधु नू ब्रांड एंबेसडर बना दिता जावे। यह स्थानिक खिडारी है और लगातार दो ओलंपिक विच दो तगमे जित चुकी है। तुहानू दस दिए कि इस तो पहला भी राजा सिंह ने सानिया मिर्जा नू तेलंगाना के ब्रांड एंबेसडर अहुदे तो हटाने की मांग की सी। सानिया मिर्जा भारत के लिए टैनिस खेलती है और उन्होंने पूरी दुनिया में अपने देश का तिरंगा लहराया, पर पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक नाल ब्याह करन ते उन्होंने कई बार असाधारण टिप्पणियों का भी सामना करना पड़ा। जी हाँ, दस दिए सानिया मिर्जा ने जदों शोएब अख्तर के नाल ब्याह करवाया सी, उस तो बाद ही वह सुर्खियों के विच बन गई सी ते कई लोगों ने उन्हां दे इस फैसले नूं गलत भी ठहराया सी। जी हाँ, तो हुण दस दिए कि हैदराबाद के गोशा महल विधानसभा खेतर तो भाजपा के विधायक राजा सिंह ने भी इन्हे टिप्पणी की सी, ते फिर तो हुण इन्हां ते टिप्पणी की है। दस दिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने जुलाई 2014 सानिया मिर्जा नू तेलंगाना का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया। भाजपा शुरू तो ही ब्रांड एंबेसडर के रूप में सानिया की नियुक्ति का विरोध कर रही है। जी हाँ, तो सानिया की प्रतिक्रिया हाल ही सामने नहीं आई, पर सानिया मिर्जा एयरपोर्ट पर स्पॉट जरूर हुई है, जिथे वह सिंपल ते क्यूट लुक दे विच नज़र आ रही सी। तुसी भी मारो एक नज़र। इसी के नाल दस दिए कि गायिका आस्था गिल नूं भी एयरपोर्ट ते स्पॉट किया गया, जिथे आस्था फुल ब्लैक कपड़िया दे विच नजर आई। दस दिए कि आस्था ने ब्लैक कैप ते ब्लैक ही सन ग्लासिस लगाए हुए सी ते ब्लैक शॉर्ट्स दे नाल वाइट शू दे नाल अपनी लुक नूं कैरी किया होया सी। ते दस दिए आस्था इस लुक दे विच काफ़ी क्यूट नज़र आ रही सी। हाल ही दे विच बादशाह अते आस्था गिल ने बचपन का प्यार गाना सहदेव दे नाल मिल के रिलीज़ किया, ते तुहानूं दस दिए कि इहनूं कुछ ही मिंटां च काफ़ी ज़्यादा प्यार भी मिल गया, ते बचपन का प्यार हर किसी की जुबान ते है। तुसी भी देखो आस्था गिल दा ऑल ब्लैक दे विच एक क्यूट लुक।
किस्मत चले वर्गिया शानदार फिल्मों के नाल हर एक का दिल जितने वाली पंजाबी जगत की खूबसूरत ते चुलबुले सुभाव वाली अदाकार सरगुन मेहता किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जी हाँ, सोशल मीडिया से उन्होंने चाहन वालों की भी काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। जी हाँ, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है ते अपने प्रशंसकों का मनोरंजन करते हुए सरगुन मेहता पिछे नहीं हटती। इसी के नाल जेकर गल करिए अगली कलाकार की, जी हाँ, यानी कि निमरत खहरा दी, तो निमरत खहरा भी हर किसी का दिल जितने दे विच कामयाब होंदी है। जी हाँ, निमरत खहरा सिरा ही हो या होर उन्होंने गाने गुलाबी नोट वर्गे गीतों का नाल जिते दर्शकों नचण के लिए मजबूर कर देंदी है, उत्थे ही अपनी सिंपलिसिटी ते अपने बोलन या फिर अपने मिठे जे सुभा दे नाल हर किसी का दिल जित लैंदी है। जी हाँ, कलैबोरेशन गाणियां की गल करिए इन्हां गाणियां दे विच निमरत दियां तां क्या ही बातां ने। जी हाँ, जेकर हुण इन्हां दोनों नूं मिला लिया जावे, यानी कि निमरत खहरा ते सरगुन मेहता नूं, तां दोवां दी जोड़ी बाकमाल है। तो सोशल मीडिया ते आए दिन ही या फिर अपने फिल्म सैट तो इन्हां दियां तस्वीरां या फिर वीडियोज़ लगातार वायरल होंदियां ही रहिंदियां ने, जिस विच ये अपने बचपन दे विच मुड़ वापस जांदियां ने ते मस्ती करदियां दियां वीडियोज़ अपने फैनस तक पहुँचाउंदियां ने, जो कि बेहद प्यारियां लगदियां ने ते काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो जांदियां ते हर कोई इन्हां वीडियोज़ नूं देखना बेहद पसंद करता है। तो हाल ही दे विच जेकर मैं गल करां तां सोशल मीडिया ते निमरत खहरा ते सरगुन मेहता ने एक फिर तो वीडियो शेयर की है। जी हाँ, जिस विच सरगुन मेहता ते निमरत खहरा मुड़ बचपन दे विच गवाचियां हुईयां नज़र आईयां। जी हाँ, जिस विच ओ एक दूजे दे नाल खेड़दियां हुईयां मस्ती करदियां हुईयां दिखाई दित्तियां, जिस वीडियो नूं थोड़े घट समय दे विच वड्डे फॉलोअर्स ने पसंद किया। इन्हां दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की गल करिए आए दिन ही अपनियां तस्वीरां या फिर अपनियां वीडियोज़ पोस्ट करते रहते हैं ते निमरत तां अपनी पंजाबी अदावां दे नाल लुटपुट के ही लै जांदी है। जी हाँ, तो इंटरनेट का पारा भी वधा दिंदी है। उधर ही सरगुन मेहता की गल करिए अपनियां वीडियोज़ पिक्चर्स दे नाल बोल्ड तस्वीरां शेयर कर हर किसी का दिल जित लैंदी है। हाल ही दे विच जो उन्होंने वीडियो शेयर की है तुहाडे रूबरू करते हैं। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਅਮਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।